یہ دعا کر پندے فضل کر مجھے قبول आज की जो ये उमर खान फाउंडेशन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है विंटर रिलीफ के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था, तो हर साल जो है किसी न किसी मौके पर ज़रूरतमंदों और मोहताजों के दरमियान जो ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती हैं उनको जो है उसकी तकसीम कारी का कोई ना कोई मौका हुआ करता है। तो आज के इस मौके पर जो है जो विंटर किट्स बनाए गए हैं उमर खान फाउंडेशन की तरफ से, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का आज ये अमली प्रोग्राम था। तो हर साल हुआ करता है, तो उमर खान फाउंडेशन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वक्त वक्त पर जो है मुस्तहकीन की जो है माली या जिनसी जो है उनकी मामनत की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी खिदमत का सिला अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। तो आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी इसी वजह से था कि उमर खान फाउंडेशन की बुनियादी का जो मकसद है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकीन की जो है इमदाद जो है की जाए, ताकि जो है इस्लामी उखवत और भाईचारगी का अमली मुजाहरा हो सके। तो उसी जज्बे और उसी खिदमत की जो है वजह से हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं और आज इसका अमली मुजाहरा था। तो यूँ है कि अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो श्रीनगर नहीं हम कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे पूरी वादी के हर इलाके में पहुंचना हमारा मकसद है, लेकिन शुरुआत तो किसी न किसी जो है जगह से करनी होती है। आप देखें हमें हमेशा जो बड़ी तहरीक हुआ करती है उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटी सी जगह पे हुआ करती है, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर हमने आज शुरुआत की है। इंशाल्लाह पूरे श्रीनगर क्या पूरी वादी में जो है बल्कि पूरे आलम में पहुँचने का हमारा ख्वाब है, क्योंकि ये जो उम्मत है कोई लोकल उम्मत नहीं है, ये इंटरनेशनल उम्मत है। हमारा नबी भी इंटरनेशनल था, बैन अलाक्वामी था, ये उम्मत भी बैन अलाक्वामी उम्मत है और पूरा आलम हमारे नज़रों में है। शुरुआत जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से किया था, पूरे आलम में पहुँचे, हमने भी यहाँ से शुरू किया है और इंशाल्लाह पूरे आलम में पहुँचने का हमारा ख्वाब है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें मदद ज़रूर फरमाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों तक मैं ये पहुँचाना जो है पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम की ये खूबी है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कामिल ईमानदार नहीं जो खुद पेट भरकर खाए और उसका हमसाया जो है भूखा रहे। तो इसी इस्लामी उखवत और भाईचारगी का वो अमलन मुजाहरा करें और एक दूसरे के काम आ जाएं, ताकि ये इस्लामी खूबी जो है पूरे आलम में लोगों की हिदायत का ज़रिया बने। तो ये इस सिफत को जो अपनाएं, और ये जो कभी कभी हम लोगों की मदद करते हैं तो ये सिर्फ मदद ही नहीं हुआ करती, बल्कि कभी कभी किसी का ईमान भी दाव पर लगा हुआ आता है, तो आपकी सदक़े और खैरात की वजह से, आपकी मदद की वजह से किसी का ईमान बच जाता है। और आप देखेंगे ये जो इज़्ज़तें बाज़ारों में नीलाम हुआ करती हैं उसकी बुनियादी वजह क्या है, उनकी ज़रूरतें हुआ करती है। तो अगर आप किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो शायद आपकी इस इमदाद की वजह से, आपकी मदद की वजह से किसी की इज़्ज़त बच जाए। तो क़यामत के दिन जो है सदका खैरात के साथ साथ किसी की इज़्ज़त को बचाने या किसी के ईमान को बचाने का सवाब भी आपके जो है नामे आमाल में होगा। तो मेरी जो है लोगों से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को लेकर आगे चलें और इस्लामी उखवत और भाईचारगी का वो अमलन मुजाहरा करें।